नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, DBBB की तरफ से, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक जबरदस्त अपडेट आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें टोटल मिलाकर के 863 वैकेंसी निकाली है। IIT डिप्लोमा और BTEC के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी रखी गई है, लेकिन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कहीं पे एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं पे फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में वो चीजें जानेंगे भी किस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत है, इनका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कई पोस्टें ऐसी है जिनमें टायर वन ही एग्जाम होगा, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, और कई पोस्टें ऐसी है जिनमें टायर वन और टू दोनों होने वाले हैं, और उसके बाद में प्रत्येक पेपर के भी पार्ट वन और पार्ट टू रहेंगे, तो किस में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, किसके आधार पर मेरिट बनने वाले, इस प्रकार की चीजें जो कि आपको आवेदन करने से पहले या फिर तैयारी स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन उन्हीं सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, कल ही की डेट को वैसे ये नोटिफिकेशन है वो सोशल मीडिया में आया है, वैसे 10 नवंबर को ये नोटिफिकेशन है इनकी तरफ से बनाया गया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आवेदन करने के बारे में बात करें तो 21 नवंबर से यानी कि इसी महीने की 21 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और उसके बाद में 20 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं एक एक करके वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे वैकेंसी की टेबल के अंदर आप देखोगे ना, तो जब तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे अपन जाएंगे तो वो चीजें भूल जाएंगे भी किस में कितनी वैकेंसी थी। तो जहां पे एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज वगैरह दे रखी है, वैकेंसी भी अपन वहीं पर रीड करने वाले, ताकि अपने को पता चले भी अपने लायक कौन सी वैकेंसी, अपने लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी रखी गई है। वैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 863 वैकेंसी रखी गई है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहां पे आप देख सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, यहां पे उतनी वैकेंसी सफिशिएंट वैकेंसी है कि अगर आप तैयारी करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां से चीजें, असली चीज, अपने काम की चीजें स्टार्ट होती है। तो बात कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में, कहां पे क्या चीज अपने से मांगी गई है और कौन किस पोस्ट के लिए आवेदन करेगा उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर अपन देखें दोस्तों, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की यहां पे वैकेंसी निकाली गई है। सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड थर्ड जो कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 90 यानी कि 90 वैकेंसी रखी गई है। प्रत्येक कैटेगरी के लिए आप वैकेंसी देख लीजिएगा, ठीक ठाक वैकेंसी है। अब इसमें आवेदन कौन करेगा, सबसे पहले तो आपके पास में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में IIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें फ्रेशर्स आवेदन नहीं करेंगे, एक साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। किसमें, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है, IIT इलेक्ट्रिशियन प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबरदस्त वैकेंसी है, टोटल मिला करके 90 यानी कि 90 वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें एज लिमिट के बारे में और आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी रहने वाली है दोस्तों, 29,200 आपकी बेसिक पे यहां पे रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि लगभग लगभग 45,000 रुपए मंथली आपकी यहां पे सैलरी बन जाएगी, और 27 ईयर, यहां 27 ईयर यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद में SC ST है, उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी 5 साल की, और OBC वाले जो बच्चे हैं, खास तौर से ध्यान रखना, जो दिल्ली के बच्चे हैं उन्हीं को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। दिल्ली के अलावा अदर स्टेट के जितने बच्चे OBC कैटेगरी वाले, उनको किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। UR अनरिजर्व कैटेगरी से आपको इसके अंदर आवेदन करना होगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट के नियम है जो आगे नोटिफिकेशन में भी लिखे हुए हैं। उसके बाद में असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के लिए यहां पे वैकेंसी रखी गई है, तो टोटल मिलाकर के 53 यानी कि 53 वैकेंसी है। इसमें काफी अच्छी वैकेंसी रखी गई, यहां पर भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले आवेदन करेंगे, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहां पर भी कंपलसरी रखा गया है। तो डिप्लोमा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर है, इसके लिए आवेदन कर सकते है। साथ ही IIT जिन बच्चों के पास में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है, 2 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए यहां पे मांगा गया, तो 2 साल का एक्सपीरियंस IIT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के पास में है तो यहां पर भी वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। यहां पे जो अधिकतम आयु सीमा जैसे कि मेंशन किया हुआ है, 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चे वो इसके अंदर आवेदन करने वाले, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में कुछ यहाँ पे नॉन टेक्निकल वैकेंसी बताई गई है तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ड्राफ्टमैन की यहाँ पे वैकेंसी है, एक वैकेंसी रखी गई है जिसमें IIT या फिर डिप्लोमा ड्राफ्टमैन में है तो आप इसके अंदर आवेदन करोगे।
देखिए ये अपना आ गया पेज नंबर 12, जिसमें आईटी बुक बाइंडर है ना, बुक बाइंडर आईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। बुक बाइंडर आईटी के लिए टोटल 2 वैकेंसी रखी गई है। आईटी आपने कर रखी है बुक बाइंडर ट्रेड में तो आप इसमें आवेदन करोगे, कोई भी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। 18,000 रुपये यहाँ पे बेसिक सैलरी रहने वाली, अधिकतम सैलरी आपकी लगभग लगभग यहाँ पर भी 32-33 हज़ार रुपये बुक बाइंडर वाले बच्चों के लिए बन जाएगी। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, वैसे तो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके इसमें से अलग कर रखी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर टाइम लग रहा है। उसके बाद देखिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है, तो जिनके पास में बीटेक की डिग्री है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में तो वो आवेदन करेंगे। टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी रखी गई है, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ना। चलिए यहाँ पर जो वैकेंसी है फोरमैन वर्क्स के लिए वैकेंसी रखी गई है, तो फोरमैन वर्क्स में जिनके पास में ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर जिन्होंने आईटी कर रखी है वो आवेदन करेंगे। टोटल मिलाकर के 2 यहाँ पे रखी गई है, 25,500 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। देखिए ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो जिनके पास में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या ड्राफ्टमैनशिप का वो इसके अंदर आवेदन करेंगे। टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, 18 से लेकर 27 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में आ जाइए आप पेज नंबर 27 पे, इलेक्ट्रिकल ओवरसर सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 8 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वे फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए अच्छा अवसर है। वो इलेक्ट्रिकल ओवरसर या फिर सब इंस्पेक्टर के नाम से जिस वैकेंसी को जाना जाता है, जो कि लेबर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें डिप्लोमा फ्रेशर्स वाले बच्चों के लिए इस वैकेंसी में, तो 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। 29,200 आपकी बेसिक भी रहने वाली है, तो कुछ इस हिसाब से इनकी तरफ से वैकेंसी रखी गई है दोस्तों। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं और आपका जो सिलेक्शन का मेथड है, जो प्रोसेस इन्होंने बता रखे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। किन किन के लिए 100 रुपये चार्ज रखे गए हैं? UR कैटेगरी से आप आते हो, OBC कैटेगरी से अगर आप आते हो, या फिर EWS कैटेगरी से आप आते हो, तो आपके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में चार्ज है। बाकी गर्ल्स हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, SC ST से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो दिव्यांग बच्चे या फिर एक सर्विस मैन है उनसे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2-3 चीज़ें इन्होंने बता रखे, वैसे नोटिफिकेशन कम्प्लीटली मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है। यहाँ पे कई वैकेंसी ऐसी है जिनका टायर 1 के माध्यम से सिलेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे रो नंबर ए है, बी है, टायर 1 के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट कोड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उस पोस्ट कोड को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे IT वाली डिप्लोमा वाली जितनी भी वैकेंसी है ना, या फिर BTech की वैकेंसी की बात करें, जो टेक्निकल वैकेंसी है वो रो नंबर B में आएगी, जिनमें सिलेक्शन के लिए केवल और केवल टायर 1 ही होने वाला है। देखिए टायर 2 भी जिनका होगा उनके लिए यहाँ पे आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि आपके लिए नहीं है। आगे मैं आपको बताऊँ, देखिए 2 टायर है ना, 2 टायर ये है, तो ये पोस्ट कोड 101/23 के लिए रखा गया, 107/23 के लिए रखा गया। तो जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट कोड दे रखी है टायर 1, यानी कि आपका सिंगल पेपर होने वाला है, ठीक है। 2 घंटे का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाएगा, पेपर आपका 2 पार्ट के अंदर रहने वाला है, यानी कि सेक्शन ए रहेगा और उसके बाद में सेक्शन बी रहेगा। दोनों मिलाकर के 200 प्रश्न आने वाले हैं और 200 नंबर के आपके ये प्रश्न होने वाले हैं। आपकी जो मेरिट है वो कम्प्लीटली 200 नंबर में से बनने वाली है। अब देखिए सेक्शन ए जो रहेगा ना आपका पेपर एक ही होगा, लेकिन 2 पार्ट रहेंगे उसके। सेक्शन ए जो रहेगा उसमें नॉन टेक्निकल के टोटल 5 सब्जेक्ट दिए गए, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक है, उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज है, उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये 5 आपके पार्ट रहेंगे, जो कि प्रत्येक पार्ट है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट है वो 20 नंबर का रहने वाला है। तो आपका पार्ट ए है, जो सेक्शन ए है, ये आपका 100 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में सेक्शन बी है, तो आपने जो IT कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड से आपने आवेदन किया, ब्रांच से आपने आवेदन किया, उससे संबंधित आपको टेक्निकल नॉलेज के सेक्शन बी में 100 नंबर के 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। उसके बाद ही बात ही आती है कि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो किसके आधार पर बनने वाली है, क्वालिफाइंग मार्क्स किस में क्या होंगे, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो जैसे आपकी टेबल कंप्लीट होती है उसके बाद में इन्होंने क्लियरिफिकेशन दे रखे हैं
दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है दोस्तों, फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल टेक्निकल पोस्ट कोर्स, यानी कि टेक्निकल की जितनी वैकेंसी है, द मैंडेटोरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर वन, यानी कि एक एग्जाम में एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन बी होगा ना उसी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना जरूरी है। सेक्शन ए में चाहे कितने भी नंबर आए, कोई भी ऐसा नहीं कि सेक्शन बी में आपको फेल कर देगा, वो कुछ भी नहीं है। वही चीज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि सेक्शन बी जो डोमेन है, डोमेन स्पेसिफिक है, ट्रेड स्पेसिफिक है, उसकी बात हो रही है। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए जो नॉन टेक्निकल होगा उसमें कितना भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। लेकिन आगे इन्होंने एक चीज दे रखी है, हाउएवर कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के नंबर मिलाने के बाद में ही आपकी 200 नंबर में से मेरिट बनने वाली है। हालांकि सेक्शन ए है इसके अंदर क्वालिफाई मार्क्स जरूरी नहीं है, चाहे कितने भी लेके आओ आपका सेक्शन बी का जो पेपर है, जो रिजल्ट है, वो चेक होने वाला है। ठीक है, ये चीज होगी। बात यह है कि सेक्शन बी में क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना जरूरी है, तो किसको कितने नंबर लेके आना जरूरी है वो चीज भी इन्होंने थोड़ा आगे दे रखी है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने दे रखे, तो यहां पे इन्होंने ये चीज क्लियर कर रखी है, कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा किसको कितने नंबर लेके आने हैं। देखिए जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हो ना, तो सेक्शन बी में आपके कम से कम 40% होने चाहिए। ओबीसी जो दिल्ली के कैंडिडेट है उनके 35% होने चाहिए, बाकी अदर स्टेट वाले बाहर के जो ओबीसी के बच्चे हैं वो भी यूआर में ही काउंट होंगे। एससी एसटी विकलांग बच्चे उनके लिए 30% है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट है ना वो तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर के नंबरों के आधार पर बनेगी, लेकिन सेक्शन बी में आपके कम से कम इतने नंबर आना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बहुत ज्यादा इसके अंदर वो चीजें नहीं अभी अपने को और ज्यादा जानने की जरूरत है। वैसे ये जो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसे कि ओबीसी के बारे में मैंने बोला था, तो यहां पे इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखा है, ओबीसी आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है कि दिल्ली के अलावा बाहर के कैंडिडेट will be treated as UR reserve candidates and they must apply under UR category। दिल्ली से बाहर के जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं उनको यूआर कैटेगरी से आवेदन करना है। यूआर कैटेगरी के अंडर में आपकी एज आती है तभी आपको आवेदन करना है। एज का रिलैक्सेशन भी दिल्ली से बाहर के जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलने वाला। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जिनको इन चीजों को लेकर के जिनको डाउट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।